हाय, मैं हूं मनीष शर्मा। क्राइम पेट्रोल के और एपिसोड्स के लिए सेट इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेय, थैंक यू। लॉकडाउन खत्म ना होता तो कितना अच्छा होता। अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मैं भी तो अपनी बीवी को छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या करूं, काम में जाना पड़ेगा ना। आई शपथ, जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है शेखर। दादा। हाँ दादा। अरे वो तेरे दोस्त ने पैसा लिया था, उसका क्या हुआ? दादा वो लॉकडाउन की वजह से अभी तक लौटा नहीं पाया। मैं जल्दी से जल्दी उससे लेके दे देता हूँ। देख धंधा मंदा चल रहा है, ठीक है, उसको बोल जल्दी से जल्दी पैसा वापस चाहिए, मैं वापस आने तक। ठीक है दादा, और अपने वहनी का ख्याल रखना। बाय। चलो बाय। वहनी, मुझे एक थोड़ा जरूरी काम है, मैं शाम तक आ जाऊंगा। बाय। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मैं अभी आता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे भाई का घर तोड़ के? क्या अपना घर बचा रहेगा? मैं तुम्हें मानसी भाईनी के पास बिल्कुल जाने नहीं दूंगी। तू रोकेगी मुझे? खबरदार, मेरी बहू पर हाथ रहे दो। तो फिर इसे कहो के काम से काम रखे, वरना खाएगी। और शर्म की जरा। हेलो। हेलो नम्रता, क्या 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 हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सच सच बताओ क्या हुआ है। सुधीर, योगेश फिर से मानसी वहनी के पास चला गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। नहीं नहीं सुधीर, तुम यहाँ मत आना, वरना किसी ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया ना, मेरी परेशानियाँ और भी बढ़ जाएंगी। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना। और सुनो, मैं तुम्हारे घर के पीछे आ रहा हूँ, तुम बाहर आ जाना मुझसे मिलने, ठीक है? आशीष, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बोल कर गए थे कि जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन इतने दिन लगा दिए। अरे क्या करूँ मेरी जान, काम धंधे के लिए बाहर तो निकलना पड़ता है ना, फिर ये लॉकडाउन हो गया, अभी भी कैसे आया हूँ सिर्फ मुझे पता है। और इस लॉकडाउन में तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हुई है, वो मैं किसे बताऊं? मुझे बताओ ना। रिश्ता कोई भी हो, भरोसा और सुरक्षा का विश्वास ही उस रिश्ते को विश्वसनीय बनाता है। जहाँ ज्यादातर लोग अपने संबंधों को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से निभाते हैं, तो वहीं अपने शातिर पने में माहिर कुछ लोग खुद को सबसे बड़ा हितैषी दिखाते तो हैं, लेकिन मौका मिलते ही भरोसा तोड़ने से नहीं चूकते। अब इस केस को ही ले लीजिए, पति पत्नी के रिश्ते में बंधे आशीष और मानसी ने एक दूसरे को अंधेरे में रखा, एक दूसरे के प्रति उनका भरोसा अवैध संबंधों की हवस की भेंट चढ़ गया। लेकिन क्या उस हवस की चादर को ओढ़ कर वे जिंदगी भर छिपे रह पाएंगे?
इतनी बेरहमी से मारा है तुम्हें। तुम बता, तुम्हारी आंसू मुझे सह नहीं जाते। पर मैंने अब सहना सीख लिया है, इन्हीं आंसू के साथ जीना पड़ेगा मुझे। मैं अपने पति को अपनी भाभी के पास जाने से रोक नहीं सकती, और रोका तो उसने मुझे एक पति जो अपनी पत्नी की बिल्कुल इज्जत नहीं करता, और दूसरा मेरा ससुर एक चोट देता है और दूसरा मरहम लगाने पहुंच जाता है, यहाँ वहां छूता है मुझे। तो तुम चुप क्यों हो? अपने भाइयों से बात क्यों नहीं करती? मैंने आशीष दादा को बताया था, पर उन्हें मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं है। उन्हें तो बस अपने बीवी पे भरोसा है। और दूसरा शेखर जो मेरा फोन ही नहीं उठाता, सब अपने अपने लाइफ में बिजी है। किसी को परवाह ही नहीं है कि उनकी बहन की जिंदगी में क्या होता है। नम्रता सुनो, तुम चिंता मत करो। देखो मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। इस सिचुएशन में मुझसे जो कुछ भी होगा मैं करूँगा। आ नहीं सकते थे, फोन तो कर ही सकते थे ना? अरे हाँ, वो इस मक्कर का भी फोन अभी आना था। कौन है? हेलो, लो तुम मिठाई खाओ। मिठाई? क्या मैं? तूने खरीदे हुए शेयर्स की हालत क्या देखा ना बाजार में? सब गिर रहे हैं और तू मिठाई खिला रहे है। केदार भाऊ, मेरी कुंडली से शनि की 7:30 हमेशा के लिए दूर हो गई है। अब मैं अपना पुराना बिजनेस फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। अच्छा। तुम मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। ठीक है ठीक है। और रही बात शेयर्स की, तो तुम्हारे खरीदे हुए शेयर्स तो बड़ा उछाल मार रहे हैं। केदार भाऊ, तुम्हारी जिंदगी में कोई उछाल नहीं आ रहा। महेश, मेरी जिंदगी में बहुत जल्द उछाल आने वाला है। तो जानता है मेरा बेटा योगेश नम्रता को, मेरी बहू को आए दिन मारते रहता है। अब उसकी बेरुखी से तंग आकर वो जल्द ही मेरी बाहों में आने वाली है। ये बात अब इस बात पर तू मिठाई खा ले। कौन आ गया? महेश कुलकर्णी। हाँ, मैं संजय, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, आइए आइए। और आसपास पूछताछ करो, किसी ने कोई एक्टिविटी देखी है क्या? और आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ इंक्वायरी करो, कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या? ठीक है सर। सर, आपका शक सही निकला, गला दबाकर ही मारा गया था, और उसके बाद उसका चेहरा बिगाड़कर उसकी पहचान। ये देखिए, पीएम रिपोर्ट में मेंशन है कि उसकी मौत 29 जून को दिन में 11:30 से 12:30 के बीच में हुई है, और सर उसके पहले उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज भी हुई हैं। तो ये औरत के चक्कर में तो ये मर्डर नहीं हुआ? सर लग तो ऐसा ही रहा है। सर बॉडी की डिटेल से कोई मिसिंग कंप्लेंट मैच नहीं हुई, और जहाँ ये लाश मिली वहाँ रोड के अलावा और कोई आबादी नहीं है, इसलिए कोई डिटेल्स नहीं मिल पाई। ठीक है, इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो, और फोटोग्राफ आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, और बॉडी का डीएनए टेस्ट भी करवाओ। ठीक है सर। मानसी देश पांडे जी, आशीष का डेथ सर्टिफिकेट? हे भगवान, ये क्या हो गया? आशीष, वही नहीं? क्या है? हे भगवान, फाइनली ठीक है। मैम बोल दे, सुनो
क्या हुआ? आशीष दादा नहीं रहे, कोरोना से उनकी डेथ हो गई है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? संभालो अपने आप। वैसे भी हमारे रास्ते का काटा तो निकल ही गया ना। मैं तुमसे तलाक देके मानसी से शादी कर लूंगा। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती ना? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? योगेश योगेश रुको, योगेश प्लीज मुझे ऐसे मत ठुकराओ। ये नंबर क्यों नहीं लग रहा है? क्या आशीष का नंबर कई हफ्तों से स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? सब कुछ ठीक हो बस। मानसी वाइनी प्लीज मेरा घर मत तोड़ो, योगेश को छोड़ दो। देख नम्रता, तो अपने पति को नहीं संभाल पाई तो उसमें मेरी क्या गलती है? मतलब तू सीधे से नहीं मानेगी? शेखर, ये मानसी वाइनी और ये योगेश दोनों का चक्कर चल रहा है। क्या जी, सोचा भी नहीं था तुम लोग इतना गिर सकते हो। मानसी वाइनी, अरे थोड़ी तो शर्म करो। आशीष दादा जाने के बाद तुम लोग तो खुलेआम रंग रलिया मनाने लगे। नम्रता, तू कार्यजनों को करो, मेरे जीते जी मैं ये होने नहीं दूंगा। सर, हमारे पारिवारिक प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है। प्रॉपर्टी में कितने बंटवारे हैं जी? ये मेरे बड़े भाई का डेथ सर्टिफिकेट है। अभी हाल ही में उनकी कोरोना से डेथ हुई है। उनकी एक बीवी है मानसी और मेरी छोटी बहन है नम्रता, इन दोनों का हक बनता है। ऐसा कोई तरीका है जिसे ये मानसी को इस प्रॉपर्टी में से कुछ भी ना मिले? इसलिए हमें ये प्रूव करना होगा कि लीगली वो तुम्हारे भाई की वाइफ है ही नहीं, और दूसरी बात, वो किसी और से शादी कर ले तो उन्हें प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा नहीं मिल सकता। जी थैंक यू। सर, आपने जो डीएनए रिपोर्ट मंगाई थी वो आ गई। सर एक मिनट। हेलो, एडवोकेट सलागरे बोल रहा हूँ। किलकर साहब से बात हो सकती है? हाँ एक मिनट सर, मेरे साथ ही हैं। सर आपके लिए। हेलो, हाँ नमस्कार किलकर साहब, एडवोकेट सलागरे बोलते हैं। हाँ नमस्कार सर, बोला बोला। अभी अभी शेखर नाम का लड़का आया था मेरे पास प्रॉपर्टी के बंटवारे का केस लेकर। उसके भाई की डेथ हुई है, सर्टिफिकेट में डेथ ऑफ कॉज इज कोरोना ऐसे लिखा है। ये सर्टिफिकेट मुझे नकली लग रहा है। अच्छा, एक काम करना सर, लग रहा है सर, वो सर्टिफिकेट और वो आदमी की डिटेल्स शिरके के मोबाइल पे सेंड कर दो। सर भेज देता हूँ मैं। ओके थैंक यू। आया? हाँ सर आ गया। एक काम करो, ये स्वाति को फॉरवर्ड कर दो और स्वाति को बोलो पता करे ये फेक है या ओरिजिनल। सर सॉरी मानसी भाभी, उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। अगर योगेश को ही नम्रता के साथ नहीं रहना है तो मैं क्यों कुछ जबरदस्ती करूं? और आप दोनों को भी शादी करनी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई भी हेल्प लगे तो आप मुझे बोल सकते हैं। लेकिन वही नहीं, मैं चाहता हूं कि दादा के बाद उसकी प्रॉपर्टी का हकदार सिर्फ मैं रहूंगा। ठीक है शेखर, वैसे भी तुम्हारी प्रॉपर्टी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो सिर्फ योगेश चाहिए। मैं अपनी दुनिया बसाना चाहती हूँ योगेश के साथ। आशीष आइए ना। लेकिन आप कौन? मैं आशीष की वाइफ कविता। क्या 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 झूठ बोल रही है आप? आशीष दादा की वाइफ तो ये है मानसी। ये आप क्या कह रहे हैं?
आशीष की वाइफ मैं हूँ कविता। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना, ये मैरिज सर्टिफिकेट देखिए। और ये सर्टिफिकेट तो आपकी शादी के भी पहले का है। आप आशीष को बुलाइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन आशीष दादा की तो कुछ ही दिनों पहले कोरोना से मौत हो गई है। क्या? आशीष, आप में से शेखर कौन है? सर, शेखर मैं हूँ। आपके भाई की कोरोना से मौत हुई, आपको कैसे पता चला? जो सर्टिफिकेट आपने लॉयर को सबमिट किया था, कहाँ से मिला था आपको? सर, वो सर्टिफिकेट तो कुरियर से आया था। हाँ सर, कुरियर तो मैंने खुद रिसीव किया था। देखो, ये यही था। हाँ सर, सर्टिफिकेट तो यही था। ये फेक है क्या? पहचानती थी, यहाँ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। आप? मैं आशीष की वाइफ कविता, लेकिन यहाँ अगर पता चला तो ये कि आशीष की बीवी बनी बैठी है। अब आशीष से आखिरी बार कब मिली थी? सर, वो 22 जून तक तो यही थे, उसी दिन वो गए थे। हाँ सर, उसी दिन वो मेरे पास भी आए थे। एक हफ्ते के बाद 29 जून को वो बिजनेस टूर के लिए निकल गए थे। आप कभी लंबा इंतजार मत करवाना, और अगर जल्दी नहीं आए ना तुम तो मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। चिंता मत करो, हफ्ते 10 दिन में वापिस आ जाऊंगा। यार, कैब बुक करना भूल गया मैं। तुम पहले कैब बुक कर लो। नहीं यार, लेट हो जाएगा। मैं काम करता हूँ, बापा चौक में जाके कैब ले लेता हूँ। सब आशीष ने मुझे इस घर और शेखर के बारे में बताया था, और बहुत दिन तक जब आशीष का नंबर स्विच ऑफ गया और ना ही कोई कॉन्टेक्ट हो पाया, तो मैं उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। और सर, आशीष दादा भी 22 जून के बाद वापस घर आए ही नहीं। हाँ सर, वो सिन्नर जाने का कह के गए थे। आशीष की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं सर, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। दादा एकदम सीधे आदमी थे, वो सिर्फ अपने काम से काम रखते थे। सब महेश कुलकर्णी, ये आशीष का कंपटीटर हुआ करता था। आशीष ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसका विश्वास जीत लिया था, और जिसकी वजह से महेश का कमीशन का धंधा भी चौपट हो गया था। और फिर एक दिन उसने आशीष को फोन पर धमकी भी दी थी। ए, फालतू की धमकी देना बंद कर, समझा ना? परेशान हो गए हमको देख के? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। आशीष की वाइफ कह रही थी कि तुमने उसे कुछ धमकाया बिजनेस के सिलसिले में। सर, बिजनेस में ये सब होते रहता है। आशीष ने मेरा धंधा चौपट कर दिया था, तो गुस्सा तो आएगा ही। फिर भी मैंने समझौते के लिए उसे फोन किया था सर। हाँ, उस वक्त थोड़ी बहसबाजी हुई थी बस, बाकी मैं कुछ नहीं जानता सर। नहीं, कुछ जानते हो तो अभी बता दो, क्योंकि हम अगर जानने की कोशिश करेंगे तो बताने के लायक नहीं रहोगे। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं कुछ नहीं जानता। सर, मुझे तो शेखर का ही हाथ लग रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेके वो डायरेक्ट लॉयर के पास चला गया। सर, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। लेकिन आशीष को मार के शेखर को ज्यादा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि आशीष के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी तो उसके वाइफ को मिलने वाली थी। ये महेश हमसे कुछ छुपा रहा है। एक काम करो, महेश का सीडीआर रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन ट्रैक करो, और ये जो फेक डेथ सर्टिफिकेट मिला था वो किसने बनवाया था ये भी चेक करो। शायद उससे हमें पता चले कि आशीष के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था। ठीक है सर। सर, कविता के बयान के मुताबिक 29 जून को आशीष नासिक से निकला था, और उसके अगले ही दिन हमें एक आदमी की लाश मिली थी नासिक के जंगल। रिपोर्ट के हिसाब से उस आदमी की मौत 29 जून को ही हुई थी, तो कहीं ये लाश आशीष की तो नहीं? उस बॉडी से शेखर का डीएनए मैच करा। सर, शेखर का डीएनए मैच होते ही इस बात की भी पुष्टि हो गई, दरअसल आशीष की ही थी। लेकिन पुलिस के सामने ये सवाल अब भी मौजूद था कि आशीष को आखिर मारा किसने,
आशीष की फोन लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड से भी कोई खास सबूत हाथ नहीं लगा। पुलिस का शक आशीष के बिजनेस राइवल महेश कुलकर्णी पर जाकर ठहर रहा था। दूसरी तरफ पहले ही अपने पति से मिले धोखे से दुखी नम्रता अपने भाई शेखर के विश्वासघात से हिल गई थी, जो योगेश की शादी मानसी से करवाने की हिमायत कर रहा था। मानसी तो पहले से ऐसी थी, मगर अब तो शेखर भी। मानसी और योगेश को जो करना है वो करेंगे नम्रता, लेकिन अब जब शेखर भी इस गंदे खेल में शामिल हो गया है, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। पर मैं जाऊंगी कहाँ? मैं तुम्हें कहीं एक सुरक्षित जगह पे लेके जा सकता हूँ, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो। कैसी बात कर रहे हो सुधीर, एक तुम ही तो जिस पर मेरा भरोसा बचा है। ठीक है, कल मैं आता हूँ तुम्हें लेने, तैयार रहना। संजय जी, मैंने आपके लिए कुछ अच्छी कंपनी के शेयर सिलेक्ट किए हैं, अगर इन्वेस्ट करना हो तो पैसे लेके आ जाइए। महेश जी, एक्चुअली क्या है, वो जो शेयर्स के लिए पैसा रखा था ना, वो कहीं और खर्च हो गया, अब इंतज़ाम करने को कम से कम एक हफ्ता लग जाएगा। कोई बात नहीं, जब इंतज़ाम हो जाए तो बता दीजिएगा। जी। से घर पर नहीं है वो, तुम्हें पता होगा ना, तू तो आशिक है उसका, बता कहाँ छुपा के रखा है उसे। मुझे नहीं पता नम्रता कहाँ है, भैया किसी और के साथ भाग के। सच सच बता नम्रता कहाँ है, तुम लोग उसे बहुत परेशान करते हो, मुझे पता। अरे जा जा, नम्रता जहाँ भी होगा ना मैं पता लगा के रहूंगा। चल लिख के नम्रता का, चल पता लगाता है साला। कातिल बहुत चालाक है शेर के, पर इसलिए उसने कोरोना का सहारा लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आशीष को कहां मारा गया, क्योंकि कविता के बयान और आशीष के कॉल डिटेल्स के मुताबिक वो घर से 11 बजे निकला था और उसकी मौत 11:30 से 12:30 के बीच में, तो इसका मतलब उसको रास्ते में ही मारा गया। सर, कविता ने हमें बताया था कि आशीष ने घर से कैब बुकिंग की थी, वो पैदल बापा चौक तक गया जो वहां से 200 मीटर की दूरी पर। सर, हो सकता है इसी बीच आशीष को किडनैप करके मार दिया गया या फिर कातिल उसी कैब में। सर, लेकिन अगर कातिल ने आशीष को सिन्नर में मारा तो उसकी लाश को नासिक के जंगलों में क्यों फेंक दी? जाहिर सी बात है स्वाति, कातिल नहीं चाहता था कि वो लाश आसानी से किसी को मिले, इसलिए उसने जंगल में उस बॉडी को डंप किया। अरे कहाँ जा रहे हैं, चल तो बात कर। अरे करणे यूं तो करना, लोकांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी जन्ना पडिकडे। सर सर, ये नम्रता गायब हो गई है सर। क्या सर, उसके पति योगेश और आशीष की बीवी मानसी, इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है सर। सर मुझे पक्का यकीन है इन दोनों ने गायब किया सर, आप उन दोनों को छोड़ना नहीं सर प्लीज। गायब कौन कर सकता है लेकिन नम्रता को? सर शेखर उसका भाई सर, सर वो भी ये कर सकता है सर। सर ये योगेश और मानसी की शादी को रोकने के बजाय वो उसे सपोर्ट कर रहा है प्रॉपर्टी के चक्कर में सर, और नम्रता ने उसे वार्निंग दिया कि अगर उसने ऐसे किया तो प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा वो नहीं छोड़ेगी। इन सबसे पूछताछ करनी होगी। अरे सर, हमें नहीं पता वो कहाँ चली गई है। हाँ सर, एकदम कैरेक्टरलेस औरत थी, कितनों के साथ उसके चक्कर थे सर, और उसमें से ये एक सुधीर भी है, पूछिए उसको। और सर एक बार तो उस कमीनी के लिए इसने मुझे मारा भी था, पूछो। अरे सर ये झूठ बोल रहे, उसका कोई चक्कर किसी के साथ नहीं चल रहा था। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरा एक तरफा प्यार था उसके लिए, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे सर, इसलिए उसने मुझे सब कुछ बताया कि कैसे वो उसे मारता था और इसका ये बाप उसे मलम लगाने चक्कर में उसको मलिश करता था सर। सर उसे लगा कि वो इस घर में सुरक्षित नहीं है, उसको मेरी मदद की जरूरत थी, उससे पहले कि मैं उसे कोई सेफ जगह पे लेके जाऊं इन लोगों ने उसे गायब कर दिया सर। अरे झूठ बोल रहा है सर, खोटा बोल रहा है, ये खुद उसको भगाने के चक्कर में था और अब हम पर आरोप कर रहा है अभी। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मेरी बात मानिए सर। आप मुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं सर, आशीष को ढूंढने के लिए आई हूँ मैं यहाँ। और तू, तेरा भाई मरा नहीं और तू वकील के पास चला गया, अजीब नहीं लगता तुझे? सबसे ज्यादा शक ना तुम दोनों के ऊपर है,
एक सीधा सीधा उगल दे वरना डंडा मार के उगलवाऊंगा। सर सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सच में कुछ पता नहीं। सर हमें जितना पता था आपको बता तो दिया, वो सर्टिफिकेट भी कोरियर से आया था। सुनो तुम फिक्र मत करो ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ वहाँ पे, तुम फिक्र मत करो। हाँ सर अभी तक इस नम्रता की CDR से कुछ खास पता नहीं चला, 31 जुलाई से इसका फोन स्विच ऑफ है और अभी तक स्विच ऑफ ही है। सर हो सकता है कि नम्रता अपने हस्बैंड के साथ घर से भागी हो, या फिर कोई उसे जबरदस्ती करके ले गया हो सकता है कि मानसी और योगेश भी इसमें इन्वॉल्व हो। अरे शेखर। हाँ सर, इस शेखर को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकता है, और हमें सुधीर ने बताया था कि नम्रता अपना हिस्सा शेखर से मांग रही थी। सर 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 वो नम्रता का पता चल गया सर, उसने मुझे 1 घंटे पहले फोन किया था, लोगों ने उसे गोल चौक में किसी महेश कुलकर्णी के घर पे बंद करके रखा है। सर सर मैं वहाँ पे गया था लेकिन वहाँ पे कोई था नहीं। इस केस में महेश कुलकर्णी का नाम बार बार आ रहा है, कहीं आशीष और उसके बहन से बदला लेने का मामला तो नहीं? एक काम करो, सुधीर को जिस नंबर से कॉल आया था उसकी डिटेल्स निकालो, इस महेश कुलकर्णी को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। चलो सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर ये यही यहाँ मैं जब आया था तब बंद था सर। नौटंकी बंद कर, तूने मारा है नम्रता को, तू एक तरफा प्यार करता था ना उससे, तूने बोला था दरवाजा बंद है, दरवाजा खुला था। सर मैं जब आया था सर तब अंदर से दरवाजा बंद था सर, यकीन कीजिए सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। नम्रता सर, नम्रता मुझे कैसे बता रहे नम्रता यहाँ है? सर शेखर ने मुझे फोन करके बोला था नम्रता यहाँ पे। सुधीर का पहले फोन मुझे आया था लेकिन मैं घर से थोड़ा दूर था और योगेश मेरे ही घर पे था, इसीलिए मैंने आगे भेज दिया। हटा दिया ना तूने तेरी बीवी को रास्ते से? मानसी के साथ अय्याशी कर रही थी ना तेरे को, सच बोल। आप लोगों के आने से पहले मैं यहाँ आ चुका था लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा क्या, इसलिए मैं डर गया और डर के बाहर जाके छुप गया सर। सर सर ये शायद महेश का फोन है जिससे नम्रता ने सुधीर को कॉल किया। सर महेश मिल गया। खुश हो गया ना तू भाई बहन को मार के, तेरा बदला पूरा हो गया? सर आशीष और नम्रता को मैंने नहीं मारा है, हाँ मैं नम्रता को यहाँ ले आया था पर केदार के कहने पर। देख मेरी बहू नम्रता घर से भागने की तैयारी में है, वैसे मेरे बेटे योगेश ने तो उसे जिंदगी से निकाल ही दिया है, अब उसको किसी सुरक्षित जगह की तलाश है। इस स्थिति में उसके भाई का दुश्मन मतलब तू तेरे उस वाले घर से सुरक्षित और कौन सी जगह हो सकती है? उसके बाद मैं केदार के घर पहुंचा, केदार ने नम्रता को पहले ही बेहोश करके रखा था, फिर मैंने नम्रता को गाड़ी में डाला और यहाँ ले आया। सर उसके बाद मैंने और केदार ने इन सबको कस्टडी में ले लो। चलो अरे साहब वो महेश झूठ बोल रहा है, एक नंबर का टक्की इंसान है वो, हमेशा औरतों के पीछे पड़ा रहता है, हमारे घर में आता जाता रहता था। और आपको बताया था मैंने नम्रता हमारी बहू, उसका चाल चलन ठीक नहीं था। इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं, सबका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है मेरे पास। कोई सबूत है आपके पास? आएगा, जिस दिन मेरे हाथ सबूत आएगा मेरा हाथ चलेगा, फिर तेरे हाथ कुछ नहीं रहेगा। सर नम्रता की PM रिपोर्ट। सर नम्रता की मौत गला घोटने की वजह से हुई है, इसके अलावा बॉडी पे कहीं कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है और मौत 11 से 12 के बीच में हुई है। CCTV फुटेज? नहीं सर वहाँ कोई CCTV कैमरा नहीं है। की बात समझ में नहीं आ रही शिर के, ये नम्रता ने सुधीर को कॉल किया, सुधीर ने शेखर को कॉल किया, शेखर वहां तुरंत नहीं पहुंच पाया इसलिए उसने योगेश को कॉल किया, सब लोग वहां थे तो कातिल कौन है? सर ये महेश के मुताबिक केदार को पता था कि नम्रता कहाँ है लेकिन इस वक्त ये दोनों मर्डर से भी इनकार कर रहे हैं। नहीं शेर मुझे किसी पे भरोसा नहीं,
क्योंकि आशीष और नम्रता दोनों का मर्डर सेम तरीके से हुआ। सर, हमें शेखर ने बताया था जब उसने योगेश को कॉल किया था तब वो आशीष के घर पे ही था। हो सकता है मानसी या कविता ने उनकी बात सुन ली हो, और वैसे कविता पर शक करने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं। आशीष के मरने के बाद वो उसकी लीगल वाइफ है, तो शेखर जैसे ही प्रॉपर्टी पर उसका इक्वल दावा बनता है। सर, मैंने नम्रता को नहीं मारा है। और सर, मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। उस दिन नेटवर्क इशू होने की वजह से योगेश बाहर गया था सुधीर से बात करने के लिए, और जब योगेश अंदर आया तो उसने मानसी को बताया और मानसी ने मुझे बताया कि किसी ने नम्रता का किडनैप कर लिया है। हाँ सर, ये सही कह रही है। सर, आपको क्या लगता है ये दोनों लड़कियां सच बोल रही हैं या सच को छुपा रही हैं? ये नम्रता को जिसने भी मारा है बहुत होशियार है, उसे ढूंढने के लिए मैं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चिरके, ये आशीष का डुप्लीकेट डेथ सर्टिफिकेट जिसने भी बनवाया है उसका कुछ पता चला? फिलहाल तो नहीं सर। ठीक है चिरके, तुमने एक चीज पॉइंट आउट की, खिड़की के बाहर दो रस्सी के टुकड़े लटक रहे थे और बीच का हिस्सा गायब था। ये नम्रता को भी रस्सी से घोट के मारा गया है ना? हाँ सर। क्या ऐसा तो नहीं कि ये रस्सी उसके लिए यूज की गई हो? पॉसिबिलिटी तो है सर। एक काम करो, फॉरेंसिक टीम को बुला, हम लोग कातिल के बहुत नजदीक पहुंच गए, जल्दी। ठीक है सर। सर एक मिनट। हेलो, ठीक है। बोला था ना तेरे को, जिस दिन हाथ सबूत लगेगा मेरा हाथ उठेगा। सच बोल। मुझे मत मारिए, मैं सब बताता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी बुरी नजर थी मेरी बहू पर। महेश जो कुछ भी बोला बिल्कुल सच बोला। ये नम्रता को किडनैप करने का प्लान मेरा ही था, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा सर। तूने अभी आधा सच बोला है। तूने एक औरत को मॉलेस्ट किया है, एक औरत तुझे मारेगी। स्वाति, इसको इतना मारो ये सच बोले। सर सर सर, आ, सर आ, आ। हेलो, कविता किसी को तो मिलने आई है पर मैं देख नहीं पाया वो किससे मिलने आई है। ठीक है, वो बाहर आने तक वहीं रुको, और अगर पता ना चले वो कौन है तो किसी बहाने से अंदर चले जाना। ओके मैडम। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मधून आलो आहे, तुमच्या मीटरचं रीडिंग घ्यायचं आहे। सर, तुमचं मीटर फॉल्टी आहे, एक आठवड्यामध्ये तुम्हाला नवीन मीटर दिलं जाईल, पण मालकाचा आम्हाला एक फोटो लागेल। मेरे पास मी फोटो नाही आहे। सर, ती आमच्याकडे सुविधा आहे, तुम्ही जरा मास्क खाली करा। सर, ये वो आदमी है जिससे कविता मिलने गई थी। इसकी कुंडली निकालो। सब अब मेरे रास्ते में सिर्फ एक ही रोड़ा बचा है, और वो भी अपनी जगह पे पहुंच गया तो फिर सब कुछ अपना, ना कोई रोक तो सिर्फ मौज ही मौज। ठीक है सर, कविता जिस आदमी से मिलने गई थी उसकी डिटेल्स निकालिए। वो कविता का ही मामा है, संजय, इसी शहर में रहता है। सर, आशीष का जिसने फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाया था उसका पता चल गया, ये उसका फोटो है। गर्डे ने जो फोटो भेजी तो दिखा सर, ये दोनों फोटो तो एक ही आदमी के। बंद कर, नॉटिंग समझी? ये दोनों फोटो तो एक ही आदमी के, ये देखो। लेकिन इसने आशीष और नम्रता को मारा क्यों होगा? सर, 100% प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है। प्रॉपर्टी का मामला? अगर प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है तो इसका अगला शिकार शेखर हो सकता है। हमें शेखर को बचाना होगा। एक सेकंड से शेखर बच गया और एक सेकंड से तू भी बच गया। तुम दोनों के खिलाफ सारे सबूत है हमारे पास, तुम सच बोलो नहीं तो हमारा डंडा बोलेगा।
बताती हूँ सर, मैं आशीष से बहुत प्यार करती थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। वो अक्सर बिजनेस का नाम लेकर सिनर आया करता था, और जब उसने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यहाँ बिताना शुरू कर दिया तो मुझे उस पर शक होने लगा। फिर मैंने ये बात संजय मामा को बताई। इन्होंने आशीष के इस घर पर नज़र रखनी शुरू कर दी। तब हमें पता चला कि आशीष और मानसी शादी कर इस घर में एक साथ में रह रहे हैं। तब मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई सर। मामा, मैं आशीष को कभी माफ नहीं कर सकती, उसे मारना ही होगा। ये तू नहीं, तेरा गुस्सा बोल रहा है। नहीं मामा, ये मेरा आखिरी फैसला है। सही मौका नहीं, उसे मारने के लिए इस घर से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। साहब, अभी कोरोना से इतने लोग मर रहे, तो हमें लगा कि ये आशीष की मौत भी छिप जाएगी और कविता आशीष की प्रॉपर्टी पे ऐश करेगी। लेकिन साहब, जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि ये आशीष की तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है। फिर हमने सोचा साहब, ये प्रॉपर्टी के जितने भी दावेदार हैं उनको सबको एक एक करके रास्ते से हटा देंगे। ये नम्रता के बारे में कैसे पता चला? वो मैं इनके घर पे नज़र रख रहा था ना साहब, तो शेखर ने योगेश को फ़ोन करके नम्रता के किडनैप होने की बात बोली, तो वो बात मैंने सुन ली क्योंकि मैं वहीं पे छुप के खड़ा था। गोल चौके के पास, और क्या नाम बताया? महेश कुलकर्णी। पक्का नम्रता वहाँ मिलेगी? मैंने सुधीर को आते हुए देखा। सुधीर ने बहुत कोशिश की दरवाज़ा खोलने की, लेकिन मैंने उसे खोलने नहीं दिया। फिर सुधीर वहाँ से चला गया, फिर मैं भी वहाँ से चला गया। नम्रता के बाद सिर्फ अभी शेखर बचा था, उसे मारने ही वाले थे साहब, पकड़े गए। तुम्हें पता है लालच और बेवकूफी में तुमने कितनी लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी? आप दोनों को तो मौत से भी बदतर शिक्षा होनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, उसमें प्यार और अपनेपन की नमी बनाए रखकर ही लंबे समय तक साथ चला जा सकता है। और इतना जरूर ध्यान दें कि भरोसा कतई टूट ना पाए, वरना परिणाम के तौर पर कोई ना कोई दुर्घटना जरूर होकर रहेगी। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और ऊंची दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।